हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका गुप्ता फ्रॉम द इंग्लिश एकेडमी। आज हम यहाँ पर बर्ड्स नेम्स डिस्कस करेंगे। अलग अलग बर्ड्स के हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या नाम है वो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सो द फर्स्ट वर्ड इज हरगिला। हरगिला को इंग्लिश में कहते हैं एडजूटेंट, एडजूटेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज मुनिया। मुनिया को हम इंग्लिश में अवादवात कहते हैं, अवादवात। नेक्स्ट देयर इज जुन बगला, इसे इंग्लिश में बिटर्न कहते हैं, बिटर्न। देन वी हैव कोतवाल। कोतवाल इज कॉल्ड ब्लैक ड्रोंगो, ब्लैक ड्रोंगो। द नेक्स्ट बर्ड इज पपीहा, कॉल्ड ब्रेन फीवर, ब्रेन फीवर। द नेक्स्ट बर्ड इज गंदम, जिसे हम बंटिंग कहते हैं, बंटिंग। नेक्स्ट वी हैव पतरिंगा, बी ईटर, बी ईटर। द नेक्स्ट बर्ड इज ललिता, कॉल्ड ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड। देन वी हैव नीलकंठी, जिसे हम ब्लू थ्रोट कहते हैं, ब्लू थ्रोट। द नेक्स्ट वर्ड इज गैगई या फिर घुघोई, इसे हम इंग्लिश में बैबलर कहते हैं, बैबलर। नेक्स्ट वी हैव कौआ, इसे हम क्रो कहते हैं, क्रो। द नेक्स्ट वर्ड इज मुर्गा, नोन एज कॉक। नेक्स्ट वी हैव सारस, इंग्लिश में इसे क्रेन कहते हैं, क्रेन। द नेक्स्ट वर्ड इज कोयल, नोन एज कुकू, कुकू। नेक्स्ट इज कश्चन पक्षी, नोन एज कैसोवैरी, कैसोवैरी। द नेक्स्ट बर्ड इज पपीहा, इसे कॉमन हॉक कुकू कहते हैं, कॉमन हॉक कुकू। द नेक्स्ट इज हुदहुद, नोन एज कॉमन हूप, कॉमन हूप। द नेक्स्ट बर्ड इज तीरंदाज, नोन एज डार्टर, डार्टर। देन वी हैव बतख, इसे हम डक के नाम से जानते हैं, डक। Then we have कबूतर, इसे डव कहते हैं। Here you can see, इसे हम चील के नाम से जानते हैं, in English we call it eagle. The next bird is राजहंस, इसे कहते हैं flamingo, flamingo. The next bird is लहटोरा, known as a flycatcher, flycatcher. The next bird is तीतर, known as francolin, francolin. द नेक्स्ट बर्ड इज बाज, इसे हम फाल्कन, बजर्ड या हॉक कह सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन आती हैं इसी सेम फैमिली ऑफ बर्ड्स की, बाज जिसे फाल्कन, बजर्ड या हॉक कह सकते हैं। नेक्स्ट बर्ड इज हंस या फिर बतख, जिसे हम गूस भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव बगुला, नोन एज एग्रेट, एग्रेट। द नेक्स्ट बर्ड इज पनडुब्बी, नोन एज ग्रेब, ग्रेब। द नेक्स्ट बर्ड इज अ मुर्गी, जिसे हम हैन कहते हैं। नेक्स्ट इज रंगीन पक्षी, इसे इंग्लिश में हूप कहा जाता है, हूप। नेक्स्ट इज बुजा, नोन एज इबिस। द नेक्स्ट बर्ड इज नीलकंठ, इसे इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है, इंडियन रोलर। द नेक्स्ट बर्ड इज गयंगा या फिर पेंगिया मैना, इसे हम इंग्लिश में जंगल बैबलर कहते हैं, जंगल बैबलर। द नेक्स्ट वर्ड इज कटोई, नोन एज जकाना, जकाना। देन वी हैव चील, इसे हम काइट कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कोयल, इसे इंग्लिश में भी कोयल ही कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव राम चिरैया, इसे इंग्लिश में किंग फिशर के नाम से जाना जाता है, किंग फिशर। द नेक्स्ट वर्ड इज नक्टा, नोन एज नॉब बिल्ड डक, नॉब बिल्ड डक, क्योंकि इसकी जो बिल है उसकी शेप बड़ी पिक्यूलियर सी है। द नेक्स्ट बर्ड इज दियोरा, नोन एज अ लार्क, लार्क। नेक्स्ट इज टिटहरी, नोन एज लैपविंग, लैपविंग। द नेक्स्ट बर्ड इज गोताखोर, नोन एज अ लून, इट इज अ लार्ज वाटर बर्ड, लून। द नेक्स्ट बर्ड इज मैना, इन इंग्लिश ऑल्सो इट इज कॉल्ड माइना। नेक्स्ट वी हैव सहेली, इंग्लिश में वी कॉल इट मिनी वेट, मिनी वेट। द
The next bird is Neelseer Batak, known as a mallard. Mallard. The next bird is Girgitmar, इसे English में Marsh Harrier कहेंगे. Marsh Harrier. Next we have Bulbul. It is known as a nightingale. Nightingale. Then we have Ullu, known as an owl. Owl. The next bird is Shuturmurg. इसे हम ostrich कहते हैं. Ostrich. Next we have Himka Pakshi, known as oyster catcher bird. Oyster catcher bird. The next bird is Babuna. इसे हम Oriental white eye कहते हैं. Oriental white eye. The next bird is Machlimar, known as osprey. Osprey. Next we have Tota, इसे हम parrot के नाम से जानते हैं. The next bird is Mor, known as a peacock. Next we have Chakor, इसे हम partridge कहते हैं. Partridge. The next bird is a kabutar, इसे हम pigeon कहते हैं. कुछ देर पहले हमने देखा था कि duff को भी हम कबूतर ही कहते हैं और pigeon को भी हम कबूतर ही कहते हैं. The next bird is batan, known as a plover. Plover. Next we have futki, इसे हम prinia कहते हैं. Prinia. The next bird is a teeter, known as pheasant. Then we have piho. Piho is called a pheasant-tailed jacana. Pheasant-tailed jacana. The next bird is pilak, known as oriole. Oriole. Next bird hai bater, इसे हम quail कहेंगे. Quail. Next we have Thar-thar Kampa Pakshi. It is known as red start. Thar-thar Kampa Pakshi, red start. The next bird is Lal Surkhab, known as Rudy Shelduck. Rudy Shelduck. The next bird is Goraiya ya fir Chidiya. Ise hum sparrow ke naam se jante hain. Sparrow. The next bird is Hans, known as a swan. Swan. Then we have Lehtora, known as a shrike. Shrike. The next bird is Bagula. Bagula is known as a stork. Stork. Then we have Ablak Maina, known as a starling. Starling. The next bird is Chakta. Chakta is known as skylark. Skylark. The next bird is Ababil, known as a swift. Swift. Next bird hai Dabil. It is known as spoonbill. Spoonbill. Then we have Mahatlat, known as treppy. Treppy. The next bird is Kasturi, known as thrush. Thrush. The next bird is Gidh. Gidh ko hum vulture ke naam se jante hain. Vulture. The next bird is Silly, known as whistling duck. Whistling duck. Next we have Katfodwa, known as woodpecker. Katfodwa is known as a woodpecker. Then we have Baya, known as weaver bird. Weaver bird. The next bird is Khanjan, known as a wagtail. Wagtail. Next we have Gulinda ya fir Gong, jise Wimbrel kehte hain. Wimbrel. So with this we come to an end. For more such videos, do subscribe to our channel, English Academy. Thank you.